स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना साल 1991 में हुई। इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आर्थिक विभाग माना जाता है, हालांकि ये घोषित रूप से नहीं है। इन दोनों के बीच ठीक वैसा ही संबंध है जैसे बीजेपी और आरएसएस में। स्वदेशी जागरण मंच खुद को स्वदेशी जागरण का वंशज मानता है, जो भारत की आजादी की जंग का अहम हिस्सा था। स्वदेशी जागरण का मकसद भारतीय राष्ट्रीयता का विकास करना था। स्वदेशी आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने समर्थन किया था। इनका मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और उसका उपयोग करना था, साथ ही ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना था। साल 1991 में जब आर्थिक मोर्चे पर भारत की हालत बेहद नाजुक थी, तब IMF ने भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी, जिसके बाद भारत को दुनिया के लिए अपना बाजार खोलना पड़ा। उसी साल 22 नवंबर को नागपुर में 5 राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच का गठन किया गया। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ ABVP, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और सहकार भारती शामिल हुई थी। नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर MG बुकारो को स्वदेशी जागरण मंच का पहला राष्ट्रीय संयोजक माना गया। स्वदेशी जागरण मंच का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को ये बताना था कि सरकार का ये कदम न केवल गलत है बल्कि साम्राज्यवादी भी है। SJM यानी कि स्वदेशी जागरण मंच ने नई आर्थिक उदारीकरण की नीति और भारतीय बाजार में नई नई आई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार किया। स्वदेशी जागरण मंच का विचार वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सीमा पार से व्यापार जैसी आधुनिक आर्थिक नीतियों के खिलाफ है। SJM के मुताबिक सामाजिक सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार है। SJM की विचारधारा में आधुनिक पूंजीवाद बाजार के लिए भी जगह नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच की वेबसाइट पर लिखा भी है, बाजार का आकार जितना छोटा होगा एक उपकरण के रूप में वो उतना ही असरदार होगा। स्वदेशी विचारधारा में बाजार का आकार छोटा रखना है और साम्यवाद की तरह उसे पूरी तरह खत्म करना नहीं है। दक्षिणपंथी संगठन होने के बावजूद स्वदेशी जागरण मंच कई बिंदुओं पर साम्यवाद जैसा ही है। साम्यवाद की तरह ही स्वदेशी जागरण मंच भी असमानता का विरोधी है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। संगठन का मानना है कि सबसे ज्यादा आमदनी वाले 20% और सबसे कम आमदनी वाले 20% का अनुपात 10:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी वेबसाइट पर इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वदेशी जागरण मंच की विचारधारा वामपंथ से अलग है। वेबसाइट पर लिखा है, स्वदेशी विचारधारा में बाजार का आकार सीमित रखना है, वामपंथ विचारधारा के मुताबिक बाजार खत्म करना नहीं है। NDA की सरकारों पर स्वदेशी जागरण मंच का काफी प्रभाव है। विदेश में सरकारी बॉन्ड जारी करने के बारे में सलाह के लिए बुलाया जाना इस बात का सबूत है कि सरकार इस संगठन को अहमियत देती है। सरकार ने SJM के दबाव में दवाओं की कीमत पर नियंत्रण रखने वाले नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को खत्म करने का फैसला वापस ले लिया। 2018 में स्वदेशी जागरण मंच ने आरोप लगाया कि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल भारतीय बाजार में बैकडोर एंट्री के लिए कर रहा है, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए।